नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार हर इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ता है वो कामयाब क्यों नहीं हो पाता, आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं, और बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स जो करोड़पति बनने का सपना लेकर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं आखिरकार फेल क्यों हो जाते हैं, उनको नेटवर्क मार्केटिंग क्विट क्यों करना पड़ता है, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी सॉल्यूशन देने वाला हूं। और शर्त क्या कह रहा हूं कि अगर आज इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। मान के चलिए कि एक इंसान जो पहले बिहार या उत्तर प्रदेश में रहता था, 15-20 साल से वो बिहार उत्तर प्रदेश में रह रहा था, और अचानक उसे एक दिन तमिलनाडु या केरल के अंदर जाके रहने की जरूरत पड़ जाए, तो आपको क्या लगता है कि वहां जाने के बाद वो अपने अंदर बिना किसी चेंज को लाए वहां पे स्टे कर लेगा, वहां पे सर्वाइव कर लेगा, या उसे चेंज लेके आना होगा? पहला सवाल। दूसरा एक और एग्जाम्पल कि कोई इंसान किसी कंपनी में जॉब कर रहा था और अब उसे उस कंपनी के अंदर जो जॉब थी उसे छोड़नी है और उसे एक नई कंपनी के अंदर जॉब पकड़नी है, आपको क्या लगता है कि वो जब दूसरी कंपनी में जाएगा जॉब करने के लिए उसे अपने अंदर चेंज लाने होंगे या नहीं लाने होंगे? और सबसे बड़ा एग्जांपल, एक हस्बैंड और वाइफ जब तक पेरेंट्स नहीं बनते, एक हस्बैंड और वाइफ जब तक पेरेंट्स नहीं बनते और पेरेंट्स बनने से पहले वो जैसी जिंदगी जीते हैं, उनकी जैसी जीवन शैली होती है, आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स बनने के बाद अगर वो अपने जीवन शैली में कोई चेंज लेके ना आए तो क्या वो अपने बच्चे को सही ढंग से नर्चर कर पाएंगे? मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि बिना चेंज लाए आप तरक्की नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हैं और आने से पहले जैसे थे, आने के बाद भी वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं, और ऐसे ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नाकामयाब हो जाते हैं, ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर चेंज लेके नहीं आते। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद अगर आपके अंदर चेंज नहीं आ रहे तो फिर आप बिल्कुल भी अमीर नहीं बनेंगे, आप नाकामयाब होंगे, आपकी नाकामयाबी सुनिश्चित हो जाएगी। तीन चीजें कर लीजिए, तीन चीजें करने के बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर कामयाब होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के जस्ट बाद तीन चीजें स्टार्ट कर दीजिए, मैं तो कहूंगा कि बेसिक ट्रेनिंग में बताना शुरू कर दीजिए, और आज के बाद इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर नेटवर्कर के पास ये वीडियो पहुंच जाए। पहली चीज, Start reading books and watching videos. कहने का मतलब है कि किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए और अच्छी वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए। आप पूछेंगे क्यों? क्या किताब पढ़ने से आपके सेल्स बढ़ने वाले हैं? क्या अच्छी वीडियोस देखने से क्या होगा, क्या आपकी तरक्की बढ़ जाएगी? मैं आपसे पूछता हूं कि एक पौधे में अगर पानी दिया जाए तो क्या होता है? एक पौधे में अगर आप नियमित तौर पे पानी देते हैं तो उस पौधे के साथ क्या होता है? साहब, पौधा बढ़ता है ना। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप नियमित तौर पे किताब पढ़ते हैं और अच्छी वीडियोस देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो डेफिनेटली आपकी औकात बढ़ जाती है। जब इंसान की औकात बढ़ती है ना तो तरक्की बढ़नी ही है, तो बिल्कुल वो सफल होता है साहब। इसलिए मैं कहूंगा रेगुलर बेसिस पे अच्छी वीडियोस देखना और अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने से पहले आप नहीं पढ़ते थे, कोई बात नहीं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बाद भी आप नहीं पढ़ रहे, आप कैसे अमीर बनेंगे, आप किस प्रकार से सफल होंगे, मुझे समझ में नहीं आता। आइए दूसरे पॉइंट पे लेके आता हूं, पहला तो कर लीजिए। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट बींग एक्सट्रोवर्ट का क्या मतलब है? नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने से पहले अगर आप कुछ इस प्रकार के इंसान थे तो कि खुद में रिजर्व रहते थे, अधिक लोगों से आपको मिलना जुलना पसंद नहीं था, आप लोगों से बात नहीं करते थे, किसी इवेंट में नहीं जाते थे, पार्टीज अटेंड नहीं करते थे, फंक्शन में जाते थे अगर कहीं पे तो अकेले खड़े रहकर खुद से बात करते रहते थे, किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे, इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते थे, वेरी गुड। नेटवर्क मार्केटिंग से पहले अगर आप इंट्रोवर्ट थे कोई प्रॉब्लम नहीं साहब, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद भी आप एक्सट्रोवर्ट नहीं बन रहे, आपको बाहर जाना पसंद नहीं है, आपको लोगों से बात करना पसंद नहीं है, आपको लोगों से मिलने में डर लगता है, आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, साहब कामयाब नहीं होंगे आप। याद रखिए कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बाद एक्सट्रोवर्ट नहीं हो रहे, आप अपनी कामयाबी को डिले कर रहे हैं, आप अपने पैसे को रोक रहे हैं, आप अपनी समृद्धि को रोक रहे हैं। मैं आपसे इतना कि जंगल का पता है, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। जंगल का राजा शेर होता है, और शेर, आपको क्या लगता है कि शेर को बैठे बैठे भोजन मिलता है? जंगल के राजा शेर को भी बैठे बैठे भोजन नहीं मिलता साहब। जंगल का राजा शेर होता है, उसे हर रोज निकलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, पीछा करना पड़ता है, तब जाके उसे भोजन मिलता है, उसे बैठे बैठे भोजन नहीं मिलता। जब जंगल के राजा शेर को बैठे बैठे भोजन नहीं मिलता तो आपको बैठे बैठे तरक्की कैसे मिलेगी? आप अगर लोगों से बात ही करने नहीं जाएंगे, आप लोगों से संबंध नहीं बनाएंगे, रिलेशनशिप डेवलप नहीं करेंगे, तो
आपको कैसे कामयाबी मिलेगी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ये तो इंडस्ट्री है लोगों से बात करने की, ये व्यवसाय ही लोगों का है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने से पहले इंट्रोवर्ट थे, वेरी गुड, जुड़ने के बाद भी इंट्रोवर्ट है साहब, आप नाकामयाब होने वाले। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जुड़ने के बाद एक्सट्रोवर्ट होना शुरू कर दीजिए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, करोड़ों की चीज, तीसरी सबसे बड़ी चीज, अच्छा पहले तो एक बात बता रहा हूं कि फॉलो करना शुरू कर दीजिए, इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। आप इंप्लीमेंट ही नहीं करते तो फिर कैसे बदलाव आएगा साहब, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे कोई बदलाव नहीं आएगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज मैं लेकर आता हूं, क्विट बैड कंपनी एंड बैड हैबिट्स। क्विट बैड कंपनी एंड बैड हैबिट्स का क्या मतलब है? कंपनी मतलब संगति, वो कंपनी नहीं, संगति, बुरी संगति और बुरी आदतें छोड़ दीजिए साहब। अगर आप बुरी संगति छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप कामयाब नहीं होंगे। मुझे एक बात बताइए, एक ऐसा आलू जो बढ़िया आलू हो, अच्छा आलू हो, और वो चारों तरफ से बुरे आलुओं से, बुरे आलू मतलब सड़े हुए आलुओं से घिरा हुआ हो, और वो जिद करे कि मुझे इन्हीं सड़े हुए आलुओं के बीच में रहना है, तो क्या आप उसे उनके बीच में रहने देंगे या उसे उठा के निकाल के कहीं और रखेंगे? अगर आप अच्छे आलू को चार पांच सड़े हुए आलुओं के बीच में छोड़ देंगे तो वो आलू भी सड़ जाएगा साहब। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 100 आलू अच्छे हो और उसमें एक बुरे आलू को, एक सड़े हुए आलू को डाल दो तो वो अच्छा आलू हो जाएगा, कभी नहीं होगा साहब। 1000 अच्छे आलुओं के बीच में भी सड़े हुए आलू को डालेंगे तो वो अच्छा आलू नहीं होगा, बल्कि और जो उसके अगल बगल के आलू होंगे वो भी सड़ जाएंगे। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, बुरी संगति में रहने वाला इंसान अगर नेटवर्क मार्केटिंग अंदर कामयाबी का सपना देख रहा है तो साहब उसके सपने मुंगेरी लाल के सपने, वो कभी पूरे नहीं होने वाले। मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि अगर आप बुरी संगति में पहले थे, नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने से पहले थे तो बहुत अच्छा, आप जा रहे आप आपकी जिंदगी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद भी आप बुरी संगति में कंटिन्यू कर रहे हैं। आप ऐसे लोग के साथ बैठे जो नेगेटिव है, ऐसे लोग के साथ बैठे जो बेकार की बातें करते हैं, तो डेफिनेटली आप करोड़पति कभी नहीं बनने वाले। आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप ही है साहब, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन आप है, क्योंकि आप बुरी संगति छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और बुरी आदतें जो आप में पहले थी, अगर वही आदतें अभी भी हैं तो आप घंटा कामयाब होंगे साहब, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि बुरी संगति और बुरी आदतें छोड़ दीजिए, और बाकी नेटवर्क मार्केटिंग में वाकई कामयाब होना चाहते हैं कि टीम की जो रफ्तार है वो 10 गुनी हो जाए, चाहते हैं कि आपके चेक्स बड़े 6 फिगर इनकम तक आप पहुंचे, तो पहुंच जाइए 27 दिसंबर को कोलकाता के अंदर। जी हां, कोलकाता से बड़े लोग कह रहे थे कि सर कब आएंगे कोलकाता, कब आएंगे, आ रहा हूं सर 27 दिसंबर को मैं मिलूंगा आपसे कोलकाता के अंदर MLM सक्सेस मास्टरी, जो हमारा सुपर हिट प्रोग्राम है MLM के लिए। चले आइए 27 दिसंबर को मिलते हैं कोलकाता के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और फैला दीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स, थैंक्स लॉट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।